मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएक्स पावर। आज की वीडियो में मैं लाया हूं मॉस्फेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने एम्पेयर के होते हैं, कौन सा ज़्यादा एम्पेयर का होता है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मॉस्फेट होता क्या है। ये मॉस्फेट है, ये Z44 है। ये आम ट्रांजिस्टर से बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, मगर ये मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये इसको इस स्विच के बराबर समझो। ये कितने का लोड उठाएगा हद मार के 1 एम्पेयर तक। और ये मॉस्फेट है आज की टेक्नोलॉजी का। जो एक ये स्विच लगा लो, अब ये मॉस्फेट की तरह है, ये इससे 10 गुना ज्यादा लोड उठा सकता है। और फिर भी कस्टमर फोन करके मैसेज करके मेरे को पूछते हैं कि सर इससे भी हैवी वाला मॉस्फेट बताओ, या जिसका ज्यादा एम्पेयर हो, ज्यादा वाटेज निकलता हो। मतलब उनकी डिमांड है इतने बड़े ज्यादा हैवी एम्पेयर वाले मॉस्फेट की। सब लोग यही पूछते हैं कि भैया इससे हैवी वाला मॉस्फेट कौन सा होता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि ज्यादा से ज्यादा एम्पेयर वाले और कम एम्पेयर वाले मॉस्फेटों के नाम नंबर कितने एम्पेयर के हैं, वो सारी डिटेल मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला मॉस्फेट है हमारा जिसका नंबर है IRF Z44। ये 55 वोल्ट तक काम करता है। 55 वोल्ट मतलब ड्रेन से सोर्स के बीच में जो वोल्ट होगा वो 55 वोल्ट से ऊपर जाते ही ये शॉर्ट सर्किट होएगा। आईडी मैंने होता है एम्पेयर, 49 एम्पेयर तक ये काम करेगा, उसके आगे ये शॉर्ट हो जाएगा। और इसमें ये जो सोर्स है, ये जो ग्राउंड में जाता है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जो बहुत ही कम होता है, 17.5 मेगा ओम्स। ये जितना भी रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा ये एम्पेयर देगा, उतना ही ज्यादा वाट देगा, उतना ही ज्यादा महंगा भी होगा और अच्छे से वर्क करेगा। ये तो नॉर्मल है, ये वाला Z44 जो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। ये मॉस्फेट का पहली पिन होती है जो गेट ड्रेन सोर्स, ऐसे तीन होते हैं। गेट जिसमें सिग्नल देते हैं, ड्रेन जहाँ पे क्वेल से 12 वोल्ट देते हैं प्लस के, सोर्स जिसको हम ग्राउंड करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम 55 वोल्ट तक इस पे काम कर सकते हैं। और अगला ये एन चैनल होता है। आज हम जो बात करेंगे वो सारे एन चैनल की ही बात करेंगे। एन चैनल मतलब कि जो हमारे एम्पलीफायर में यूज होता है, जो हम जितने भी डेक्सा वाले बोर्ड बनाते हैं उनमें सब में एन चैनल ही लगता है, किसी में भी पी चैनल नहीं लगता। तो अगला मॉस्फेट है P55। इसका पूरा नाम तो वैसे होता है STP। ST का मतलब है ST कंपनी बनाती है, और STP इसका पूरा नंबर है 55NF06। ये पूरा नंबर है, शॉर्टकट में P55 बोलते हैं। ये 60 वोल्ट तक काम करता है और 55 एम्पेयर इसकी करंट कैपेसिटी है। और जो RDS है वो है 18 मेगा ओम। 18 मेगा ओम को हम 0.0018 ओम भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक। Z44 से ये वाला बेटर है P55। इसको ST कंपनी बनाती है, इसको IRF कंपनी बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट अपना मॉस्फेट आता है
अगला मॉस्फेट है IRF सीरीज का 3607, 75 वोल्ट का मॉस्फेट होता है, 80 एम्पेयर, 80 एम्पेयर कैपेसिटी है करंट की, और इसका RDS बहुत ही कम है जो बहुत ही अच्छा है, 7.34 मेगा ओम। ये जितना कम होगा उतना एम्पेयर ज़्यादा देगा, एम्प अच्छे से वर्क करेगा, एम्पेयर ज़्यादा बनाएगा। और इसके आगे होता है IRF का एक 3710, ये 100 वोल्ट तक काम करता है, 57 एम्पेयर तक काम करता है, जैसे ये Z44 के P55 के बराबर का ही है, ये 57 एम्पेयर ही है। और एक होता है IRF 3205, 3205 55 वोल्ट तक होता है और 110 एम्पेयर, 110 एम्पेयर का होता है और 8.0 मेगा ओम इसका रेजिस्टेंस होता है अंदर का RDS। Z44 दो लगा लो और 3205 एक, इतनी पावर है तब भी इसकी पावर ज्यादा है। ये P55 दो लगा लो और ये एक 110 एम्पेयर का ही है। और भी होते हैं, इससे भी हैवी वाले मॉस्फेट होते हैं, मैं अभी और भी बता रहा हूं आपको। एक होता है 2807 IRF का ही है और 75 वोल्ट होता है इसकी वोल्टेज, 82 एम्पेयर करंट है और 13 मेगाओम। एक ये है IRF का 1407, सबसे ज्यादा एम्पेयर का, पिचहत्तर वोल्ट 130 एम्पेयर, RDS बहुत ही कम है, 7.8 मेगा ओम। इससे भी हैवी अगर लगाना है तो IRF का है 4110, 100 वोल्ट तक काम करता है ये, 180 एम्पेयर, 149 एम्पेयर और 180 एम्पेयर, कितना हैवी हो गया ये वाला। और इसका RDS सबसे कम है 4.5 मेगा ओम, सबसे हाईएस्ट है ये, 370 वाट आउटपुट ये अकेला मॉस्फेट दे सकता है, 370 वाट। ये वाला 330 वाट अकेला मॉस्फेट देता है, और ये वाले जैसे है Z44 ये 70-75 वाट से ऊपर नहीं होता, ये 75 वाट लास्ट। और भी है 1404 IRF का है, ये और भी ज्यादा एम्पेयर का है, ये 40 वोल्ट तक ही काम करता है, 202 एम्पेयर का है ये। एक एक लगा दो, 202 एम्पेयर के आसपास ये लोड उठा लेगा, ज्यादा लगाते हो तो आपकी मर्जी है।
कुछ फेमस मॉस्फेट और भी हैं, IRF का है, एक है 7545, 60 वोल्ट तक काम करता है ये, 95 एम्पेयर का है, बहुत अच्छा एम्पेयर है इसमें, और प्राइस भी बहुत कम होता है, 5.9 मेगा ओम, जो बहुत ही कम है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ही है। और होता है IRF 1405, 55 वोल्ट तक काम करता है, 169 एम्पेयर, बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉस्फेट हैं, मैं सब की एक एक बार डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ मॉस्फेट के नंबर सीधे लिख देता हूं, वोल्टेज लिख देता हूं, एम्पेयर लिख देता हूं, कितने मेगा ओम उनका रेजिस्टेंस है वो लिख देता हूं, कितनी वाटेज होती है वो आप वीडियो को स्टिल करके रोक कर पॉज करके उसको देख सकते हो, ताकि वीडियो लंबी ना बने। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।